अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ दिलावर और मेरे साथ दिन के बाद आज व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज हम घूमने जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है जिसकी वजह से मैं जो रास्ते में व्लॉग है ना वो नहीं बना सका। तो अभी हम इधर रेस्ट एरिया में खड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें पानी वगैरह ले रहे हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अबीरा क्या खा रही हो, क्या ले रही हो? यार अभी तक तो ये लिया और ये मैं ये ले रही हूं। ठीक कर रहे हैं ये तो काफी मुश्किलात के बाद एक लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम मोनाल पहुंच गए हैं फाइनली। तो अभी नीचे उतर के देखते हैं क्या सीन है इधर। अभी आपको दिखाते हैं मोनाल की खूबसूरती और ये देखें आप, हम एंटर हो चुके हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं मोनाल की लोकेशन, यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। आप कौन है, क्यों खड़ी हैं मेरे साथ? है। सारा मोनाल घूम फिर लिया है, काफ़ी इंजॉय किया है और अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से, आगे जाके दिखाते हैं। ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर, लेकिन मैं अभी क्रिश बना हुआ हूँ, कोई जैकेट नहीं ली। ये जैकेट ले के फिर रही है, हैं इतना देर। छोटी है मुझे ठीक है, छोटी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो रही है यार। एक इंसान को आप इंसान करते हो, गजब गजब की बेइज्जती है। ऐसे करो ना, वाओ अच्छी नहीं लग रही, कोई नहीं अच्छी लग रही। The next day. Good morning guys. तो आज हमारे टूर का दूसरा दिन है, अभी हम इस्लामाबाद में हैं और हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अबीरा? कलाम वैली। क्योंकि आज हमें टाइम मिलेगा ज्यादा ज्यादा घूमने का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस टाइम से पहुंच जाएं। टाइम साथ चुई बैठी हुई है और हम इधर नाश्ता करने आए हुए हैं। अहमद अबीरा ये नाश्ता करते सीधा निकल जाएंगे कलाम की तरफ। मैं तो सो गया था काफी देर, सो गया था दिलावर और अभी अभी उठा है, अभी इधर पहुंचे हैं। अभी हमने ये पिशावर के कहीं पास है, पिशावर के आसपास। अच्छा, कहीं कितना टाइम लग जाना है? ऑलमोस्ट 3 to 4 घंटे लग जाने। और ये अभी हम दोबारा रुक गए हैं यहाँ पर एक जगह पे, पियेंगे चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा। तो अभी ये औरत कह रही है कि मुझे चाय पीनी है, तो पता नहीं है कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। बस आगे, क्योंकि आगे बहुत आगे जाना है अभी हमने। चाय मिल गई जी, थैंक यू। गाइस व्यू चेक करो यार, माशाल्लाह। ओए होए, था सुबह उठ के तो शैम्पू वगैरह की जरूरत थी, शैम्पू लेके आए हम भी। और ये आप देख सकते हैं व्यू चेक करें, ये अभी बाजार है, पॉइंट में हम जाएंगे। लेकिन बहुत दिखाई दे रहा है ऊपर, ये बर्फ के, ये चेक करो, ये चेक करो, वाह चेक करके। ये बताओ कि हमने तकरीबन लाहौर से यहाँ तक का 14 घंटे का सफर किस पे तय किया? मैरान पे। मैरान पे माशाल्लाह भी किसी ने लिख दिया, रातों किसी ने लिख दिया, तो गाड़ी की बड़ी हिम्मत है। यहाँ पर सारे तकरीबन होटल्स वगैरह रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यार यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ये हमारा होटल है, ये हमारा होटल है, बहुत ही प्यारा। जाम रुके हैं रात को, मेरा और अहमद का, वो आपको दिखाते हैं। ये वाला मेरा और अहमद का रूम, और हम दोनों तैयार होने लगे हैं, तैयार होके देखते हैं। हाँ जी, ये रूम है जहाँ पर ये लड़कियाँ रुकी थी मेरा, और यहाँ से आपको नजारा दिखाते हैं बाहर का, इस रूम का। ओह वाओ,
ब्यूटीफुल। धूप गायब हो गई है, इधर यही सीन है कि कभी धूप आ जाती है कभी गायब हो जाती है। तो आप ये देखें, झील को देखें कितनी खूबसूरत, और पहाड़। और ये व्यू चेक करें, यहाँ पर बैठ के हम नाश्ता करेंगे। यार कैसा लग रहा है अहमद? व्यू दिखाया है मैंने, इतना जबरदस्त व्यू है। वो देखो पहाड़, बर्फीले पहाड़। अभी वहाँ पर हम जाएंगे, हीटर ले आते हैं। तो ये चेक करें आप, बहुत ही मजे का नाश्ता है जो कि हम कर रहे हैं। और साथ ये तो गाइस अभी हम निकलने लगे हैं आगे। किधर जाने लगे हम, किधर जाने लगे हैं? हाँ पता नहीं किधर जाने लगे हैं, लेकिन वो जीप आ गई है हमारी, तो इसमें हम बैठ के आगे जाएंगे। सो आपको दिखाते हैं आगे का मंजर, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोकेशन हमारी, बहुत ही खूबसूरत, और जंगल में हम आ चुके हैं। ये भी एक जगह है खूबसूरत जहाँ जो है ना जंगलात ही जंगलात हैं, और मैं इसके अंदर जाने लगा हूँ। वाओ ये देखो, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम। और ये लड़की है, इसने एक मुझे तंग किया है। टोरे मरे तूने चाहूँगी, चल लग गए लागे। और वाओ कैसी लगी ये जगह, ये देखो ये हमारी जीप खड़ी हुई है। और ये जनाब इधर शूटिंग हो रही है वीडियोस वगैरह की। और बड़ा फोटो शूट ये, ओ माय गॉड, ये कंटिन्यू है। चैंपियन थे आप? खान भाई बता रहे हैं कि इधर जीप का हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था, तो ये खान भाई उसमें चैंपियन थे। तो ये तो हमें बड़ा फ़ायदा हो गया है, खान भाई तो हमें बड़ी फिर इंजॉय कराएंगे और जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे। तो अभी मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आपने कभी इधर आना है तो आगे पॉइंट की तरफ जाने के लिए आपको जीप करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी गाड़ी पे इधर नहीं जा सकते। रास्ता बहुत ख़राब होता है, और इस पे सिर्फ ये जो जीप जा रही है लैंड क्रूज़र, ये ही सिर्फ आपको करवानी पड़ेगी अलग से, और इस पे ही आप आगे जा सकते हैं अपनी मंजिल पे, अपने पॉइंट पे, अपनी लोकेशन पे। और वाह जी वाह, बड़ी कैमरा मैन बड़ी, वो दिखाओ वो अफसार। हाँ ये अफसार आ रही है, और ये आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच, और मुझे सर्दी लग रही है। ये प्यारा व्यू है, मैं बनाता हूँ एक मिनट। चलो ये है चश्मे शिफा, खान साहब ने बताया हमें कि ये चश्मे शिफा है, यहाँ का पानी आप पी भी सकते हैं। हमारा हाथ इधर आ गया ना थोड़ा साइड पर, यहाँ का पानी हम पी भी सकते हैं और मुंह वगैरह धो सकते हैं इससे। तो आओ ट्राई करते हैं।
मड़ा निकलते हैं आगे निकल मड़ा निकले पानी घुस घुट पी लो पे। इस झील का नाम है सैफुल्ला और बड़ी प्यारी झील है और अभी हम इस बोट पे बैठने लगे हैं, बैठ के उस साइड जाएंगे, वो पहाड़ भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम बैठने लगे हैं इस बोट पे, ये देख सकते हैं आप। और चलो 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 बैठो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो आराम से इतना नहीं, ये गहरा नहीं है, अभी वैसे नहीं मरेंगे, ठंड से मर जाएंगे। साजा राजा बिस्मिल्लाह का तो अभी हमें वॉशरूम आया हुआ है। ओए ये गोला किस तरह का था। हाँ तो अभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी मुझे और हमने सोचा कि थोड़ा सा बॉडी को गर्म कर लिया जाए। व्यू अच्छा है काफ़ी, बर्फ़ इधर कम पड़ी हुई है और झील में आज पानी भी कम है। वो कह रहे थे कि काफ़ी इधर पानी होता है, आज कम है पानी क्योंकि गर्मियों में ये ज़्यादा होता है पानी, बर्फ़ पिघलती है ना, तो इसलिए। तो अभी हमें लग गई है भूख बैठ बैठ के, तो कुछ खाएंगे यहाँ पर, पता नहीं क्या मिलेगा। देख क्या कुछ है, चिकन कढ़ाई और ड्राउड फिश, ड्राउड और चाय पकोड़ा, चाय पकोड़ा। चेक करें बोट। तो खाने पीने के लिए हम इस जा रहे हैं खेमे में। आ जाओ रीच, आ जाओ। ये है खेमा, हम यहाँ बैठ के खाना खाएंगे यहाँ पे। ये अर्तुल गाजी वाला खेमा है। ओहो क्या बात है, छोटे छोटे कितना ये खाना है हमारा, ये भी याद रहेगा। हाँ। ये पता नहीं। तो गाइज हम फिर आके अभी वापसी को निकलने लगे हैं। काफ़ी हमने जो है ना इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे इस टाइम हमारा दिल है निकलने का, और अभी हम निकलने लगे हैं। वापस तो रास्ते में ये स्वाट है शायद। आ जा। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया है और काफ़ी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी पॉइंट्स देखे हैं, वो आप इलाज में देख सकते हो। और बाकी ये जो मौसम है ये यहाँ पर अभी ठंड बहुत है, यहाँ पर लोग जो आते हैं ना जो वो आते हैं जून जुलाई में, और जून जुलाई में ज़्यादा रश होता है। वो भी बहुत अच्छी निकली हुई है लेकिन इनके काम देखो। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय करते जाएंगे ना पूरे रास्ते। ये देखो ये भी नहीं, नहीं। और खूब सारा एंजॉय करने के बाद व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपने व्लॉग को पूरा देखा होगा और खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।